और मैंने देखिए, मैं आपके साथ हूं, मैंने उस दिन कहा प्रोग्राम में कि ये हर स्टार हर डायरेक्टर को एफिडेविट साइन करके लीगल कोर्ट पे ठप्पा ला के लिखने की जरूरत है कि मैं ड्रग्स के साथ मेरी कोई लिंक नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, ये मेरी निजी जीवन या मेरे निजी चॉइसों के मेरे प्रिवेसी के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट अ लार्जर एग्जाम्पल दैट यू आर सेटिंग लोगों के सामने, आप क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात यह, क्या कंगना आप अभी मनाली में बैठकर ये सब कह रहे हैं, कभी ना कभी तो आप वापस आएंगे, अभी क्या ये संभव है कि आप एक नॉन ड्रग कल्चर वाला बॉलीवुड बना सके? सर, जो ये जो जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन आइकॉन है इंडिया का, यूथ आइकॉन कौन है, मैं कहती हूं कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको इन सब नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ कंडक्ट भेजना चाहिए, जहां पे एक एक्टर को हायर करने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो देशभक्त है कि देशभक्त नहीं है। वो कहते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो सकते अगर आपको ब्रांड्स का हम प्रतिनिधित्व, ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनका ब्लड टेस्ट क्लीन है या नहीं है, बनाइए क्राइटेरिया, ये इस इंडस्ट्री में पैसा बोलता है, क्राइटेरिया बनाइए ये, आप सब के सब बोलो इन सबको, चाहे वो रणवीर सिंह हो, विकी कौशिक हो, रणबीर कपूर, करवाइए इनके ब्लड टेस्ट, करवाइए इनके ब्लड टेस्ट। ये लोग 20-20 ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे हैं, अगर इनके ब्लड क्लीन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डिसाइड कि वेदर दे डिजर्व टू बी द फेस ऑफ दिस यूथ और नॉट। और ये मत कहिए, मुझ जैसे लोगों को ये मत कहिए कि अगर आप देशभक्त बनेंगे तो आपको कोई ब्रांड नहीं हायर करेगा, कोई फिल्म नहीं हायर करेगी, और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, आपके जितने भी स्पॉट्स में आप दिखते हैं, ओवरऑल जो आपका कलेक्टिव एक्सपोजर है वो कम जाता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी रैंकिंग लो आती है। ये सब मिला जुला एक पूरा, अगर ये जैसे बिजनेस में आप देखें, अगर मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मैं देशभक्त नहीं बन सकती, मैं आउटसाइडर नहीं बन सकती, मैं लड़की नहीं बन सकती, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, तो इन सब चीजों के साथ में रहते तो आगे आने का फायदा क्या, ऐसे करियर का फायदा क्या? भूषण, अगर किसी ड्रग यूजर को कभी भी मिला हो, क्योंकि ये जरूरी है कि कोई अगर गलती से किसी को पद्मश्री या पद्मभूषण मिली हो, या कोई भी गवर्नमेंट अवार्ड मिला हो, या कोई भी गवर्नमेंट पुरस्कार मिला हो, जो ड्रग यूजर है या ड्रग्स के यूज के बारे में जानते हुए भी करने देते हो, उन पर भी इंटेलिजेंस एजेंसी चेक करे, और अगर कुछ निकले तो ये सब पुरस्कार पब्लिकली वापस करनी चाहिए। क्यों, आप कह रहे 99% बॉलीवुड अगर ड्रग यूजर है तो इनमें से कई लोगों को मिला होगा, तो वापस ले, yes. इनको पब्लिकली एम्बेरस करें देश के सामने, इनको डर तो लगे ना, किसी चीज का डर तो हो, जैसे एक्सपोजर का डर तो हो। आज सर, आजकल जैसे हम लोग अभी मेरी फिल्मों की जिनकी शूटिंग शुरू हो रही है, तो हम लोगों को एक सबमिट कराना पड़ता है अपना कोरोना टेस्ट, उसी तरह से अपने ड्रग का टेस्ट सबमिट कराइए बिफोर एनी ब्रांड इंडोर्समेंट और एनी फिल्म। इनफैक्ट ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं ड्रगी हूं, ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ और एंटीक करके कि मैं ड्रग्स कर रहा हूं, या मैं बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज चीजों को इंडोर्स कर रहा हूं, और इन लोगों को उसके करके जो है सब ब्रांड सर पे बिठाते हैं, और उसके करके इन लोगों की विजिबिलिटी बढ़ती है और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है, और वही इस पूरे देश में वही दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ सक्सेस। That becomes...